हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, क्या होता है, हम लोग एक जो बड़ा क्वेरीज जो मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे और इंस्टाग्राम में भी आए हैं, कुछ कुछ मैचेस जो अपशिफ्ट और गाड़ी डाउनशिफ्ट के बारे में कुछ कुछ क्वेरीज है। तो आज को इस वीडियो में मैं क्लियरली लाइव एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा गाड़ी चलाते हुए जो कौन सा स्पीड में कौन सा गियर में गाड़ी को रखना है, गाड़ी को अपशिफ्ट कब करना है, गाड़ी को डाउनशिफ्ट कब करना है। ये खाली मैं वर्बली बोलूंगा नहीं, मैं गाड़ी चलाते हुए आपको दिखाऊंगा, ताकि जो प्रैक्टिकली देखिए, मैं बोल दूंगा 10 से 20 का स्पीड में चलाओ तो फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड में 30 तक, फोर्थ में 40 तक, तो ये वो अलग होता है। मतलब वो खाली थियोरिटिकली होता है, प्रैक्टिकली होता नहीं है। तो आज को मैं अभी इस वीडियो में प्रैक्टिकली आपको गाड़ी चलाते हुए लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कौन सा गियर में, और आपका सामने होगा टैकोमीटर और स्पीडोमीटर, दोनों आपका सामने रहेगा और आप लोग को दिखाते हैं इस वीडियो में। तो ये मैं नहीं दिखाने वाला, जो मैं हाथ से गियर शिफ्ट कर रहा हूँ। हाथ से तो गियर तो आप शिफ्ट कर ही लोगे। अगर आपको नहीं पता है कैसे स्मूथली गियर शिफ्ट करना है, तो मेरा आगे का जो वीडियोस है प्लेलिस्ट में, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वो आकर जाके चेकआउट कर लो, तो क्लच को कैसे स्मूथली ऑपरेट करना है। लेकिन यहां मैं खाली आपका जो फोकस करूंगा वो होगा टैकोमीटर और स्पीडोमीटर पर। और जब मैं क्लच दबाऊंगा, मैं आपको मुंह से बोल दूंगा, जब मैं अभी क्लच प्रेस कर रहा हूं, गियर चेंज कर रहा हूं, आपको खाली देखना है जो आरपीएम मीटर में आपका आरपीएम कितना शो कर रहा है और गाड़ी का स्पीड कितना है। तो आपको लाइव पता चल जाएगा जब गाड़ी में कितना स्पीड में कौन सा आरपीएम में गाड़ी होना चाहिए और कौन सा गियर में होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊंगा। अभी आरपीएम देख लो, और अभी मैं फर्स्ट गियर में गाड़ी को डाल दिया, और देखो अभी जो आप खाली आरपीएम मीटर की तरफ देखना और स्पीड का तरफ देखना, मैं सेकंड गियर में डाल दिया तुरंत, ठीक है। अभी देखो कितना आरपीएम में जा रहा है, अभी देखो 2000 आरपीएम में गया, मैं उस गाड़ी को थर्ड गियर में शिफ्ट कर दिया। आप स्पीड को देख सकते हो, ये लाइव मैं स्पीड चेंज कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। देखो फिर 2000 आरपीएम में गया, 40 का स्पीड हो गया, मैं फिर से गियर चेंज किया, फोर्थ गियर में मैं पहुंच गया। अभी आगे अभी तो इसी गियर पे अभी थोड़ा सा गाड़ी चलाना है, क्योंकि आगे, हाँ देखो अभी फिर से मैं गियर चेंज करने का सोच रहा हूँ। फिर से देखो गाड़ी 2000 आरपीएम में पहुंच गया, मैं डाल दिया फिफ्थ गियर में, क्योंकि मेरा गाड़ी जो है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन का गाड़ी है, तो अभी और फिलहाल कुछ करना नहीं है। अभी इसी स्पीड में मैं क्रूज करूंगा, इस सिटी में इससे ज्यादा स्पीड में चलाना सही नहीं है। तो बेसिक जो फंडा है, गाड़ी जब स्टार्ट करोगे, आज को मैं आपको लाइव दिखा दिया कितना स्पीड में कहां जाना है। अभी आप गाड़ी भले 60 में चलाओ, 70 में चलाओ, गाड़ी आपका 5-speed मैनुअल जो गाड़ी है वो पांचवा गियर तक ही जाएगा। सॉरी, अभी गाड़ी हिल रही है, देखो मैं सामने रोड खाली है, तो इसीलिए मैं अभी फिफ्थ गियर में लगा दिया हूं। अगर आगे सिग्नल है, आगे आदमी भी जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, गाड़ी को थोड़ा सा अगर धीरे करना है वो मैं अभी दिखाता हूं कहीं पर जो कि, लेकिन आप गाड़ी जब भी स्लो डाउन करोगे ना, हमेशा गाड़ी का लेफ्ट में और राइट में देख के फिर जाके आप चेंज करो। ये देखो अभी मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, क्या करूंगा, गाड़ी को धीरे कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो गाड़ी 1000 आरपीएम में आ गया, और मेरे को अभी ज्यादा पावर का जरूरत है, मैं तो क्या किया, एक गाड़ी डाउन शिफ्ट कर दिया क्लच दबा के। अब देखो फिर से आरपीएम मेरा बढ़ चुका है, ठीक है। अभी मैं फोर्थ गियर में जा रहा हूँ, और गाड़ी का स्पीड जो है लगभग 40 के आसपास है। अभी मैं गाड़ी आपको रोक के भी दिखाता हूँ, आगे मैं रुकने वाला हूँ, तो वहां पर मैं, अभी मेरा गाड़ी देखो 40 का स्पीड में है, और आरपीएम देखो कौन सा मीटर पे है। तो ये है स्टैंडर्ड जो हमेशा आपको मेंटेन करना है हर एक गियर में। फर्स्ट गियर और सेकंड गियर जस्ट गाड़ी को मूव करने लिए है, ठीक है। आगे देखो, आगे सिग्नल है, अगर मेरे को रुकना पड़ेगा तो मैं कैसे रुकूंगा। आप आरपीएम देखो, ठीक है। अभी मैं ब्रेक दबाया, ठीक है, गाड़ी का स्पीड नीचे आ गया, थर्ड गियर में डाल दिया, ठीक है। फिर और भी गाड़ी स्लो में आ रहा है, अभी मैं उसको सेकेंड गियर में स्लॉट कर दिया, और मैं अभी सेकेंड गियर से गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल रुक गया था, ठीक है। अब रुकने के बाद मैं लेफ्ट टर्न लूंगा, तो अभी मैं लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न लेने के लिए हमेशा बोला जाता है सेकंड गियर या स्पीड 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए लेफ्ट या राइट टर्न लेने के लिए। अभी मैं देखो फिर से टर्न ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैं टर्न ले लिया हूँ, और अभी गाड़ी का मेरा स्पीड देखो बिल्कुल है, ये है। मैं अभी क्या करूंगा, मैं पूरा क्लच दबा दिया हूँ, ठीक है, क्लच दबा के गाड़ी को धीरे धीरे करके रोक रहा हूँ। गाड़ी को मैं फर्स्ट गियर में अभी है मेरा, और अभी जाके मेरे को स्पीड देखो जीरो हो गया लगभग, और मैं गाड़ी को ब्रेक दबाया, ठीक है, और मैं क्या किया, गाड़ी को न्यूट्रल में मैं डाल दिया, गाड़ी को खड़ा कर दिया, बस इतना ही काम करना है आपको। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अनदर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।